केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर पहले चैप्टर से ही रासायनिक अभिक्रियाएं बताया गया था। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सेंटेंस पर ध्यान दें, किसी विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया जाता है। मतलब प्रत्येक रासायनिक अभिक्रियाओं का अपना एक विशेष गुण होता है और इन्हीं गुणों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को आप देखें पांच प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है अपचयन एवं उपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा कि आपके सामने इतनी रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम दिए गए हैं, इनके नाम से ही इनके गुणों का पता आपको प्रथम दृष्टया चल जाता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है इसमें जुड़ करके दो या दो से एक से अधिक जो अभिकारक होते हैं वो आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया, इसमें अवघटित होते हैं जो अभिकारक होते हैं वो एक दूसरे से अवघटित होकर के नए नए पदार्थों का, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग कर विस्थापित होकर के दूसरे से जुड़ जाता है। इसका विस्तार से एग्जाम्पल सहित आपको प्रत्येक रासायनिक अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण के माध्यम से, परिभाषा के साथ साथ रासायनिक समीकरण के माध्यम से आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रत्येक रासायनिक क्रियाओं का विस्तार से अध्ययन आपको बताया जाएगा। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें ताकि अगला लेक्चर आपको सबसे पहले मिल जाए। That's all.